क्यों बे, बिना इंजन की गाड़ी को 10 किलोमीटर तक धक्का लगवाया। अब मैं देता हूँ तुझे किक, मामूली किक नहीं, बाहर तो आजा। जय श्री जय हो रहा की सावन मलिक सदावत नेहा धूपिया मलाइका अरोड़ा। भाई साहब लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कहीं और नहीं देखा साहब, मैंने आपकी जीप को धक्का लगाया तो याद नहीं है तुम क्या? हो उसी आदमी रो रहे हो? उसके लिए मैं क्यों रोऊंगा साहब, वो कौन सी बड़ी बात है? आप तो जानते हैं आखिर आदमी तो आदमी का काम आता है साहब। वेरी गुड, वो तो मैं कभी भूल गया था साहब। वो नहीं साहब, किसी और बात के लिए परेशान हूँ। क्यों रो रहे हो आखिर, बात मेरा एक दोस्त है साहब, वो कोई जरूरी काम है क्या के मुझसे 10,000 रुपए लिया था साहब। अच्छा, मैंने अपनी घरवाली के कंगन गिरवी रख के उसे पैसे दिए थे साहब, कल ही देता हूँ कहा था, 4 दिन निकल गए लेकिन अभी तक नहीं दिया साहब। अरे रे, ये तो बहुत गलत है, बीवी की बात है ना? मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ साहब, उसके कंगन ना मिलने की वजह से मेरी बीवी रूट के मैके चली गई है साहब। मैं जाके किसको सुनाऊं साहब अपना दुखड़ा? अब यूँ समझ लीजिए कि हम दोनों दोस्त हैं साहब। अब आपका नाम क्या है साहब? नाम में क्या रखा है, तुम्हारा दोस्त का नाम क्या है? मेरे दोस्त का नाम तो श्यामलाली, श्यामलाली समझो। अबे श्याम के बच्चे, चल ये बता तूने मुझसे कितने पैसे लिए? 10,000। कब लौटाने वाला था बे? 2 दिनों में। मैंने तुझे वो रुपए किस तरह से दिए थे? अपनी बीवी के कंगन गिरवी रख के। अब ये बता रुपए लिए कितने दिन हो गए? 4 दिन से भी ज्यादा हो गए। 4 दिन के बाद भी पैसे नहीं लौटा, ये शराफत है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल, तूने मुझे आखिर क्या समझ रखा? हाँ पूछो, क्या ये गलत नहीं है? बिल्कुल गलत, पागल की तरह बात कर रहा, अभी बताइए। अच्छा अच्छा शांत हो जा, बात मेरी समझ में आ गई, पैसे दे करो भाई, पैसे दे। अरे दरअसल आप बात नहीं समझ रहे। समझ गया, सब समझ गया मैं, चल पैसा निकाल। ऐसा नहीं है, अरे बात डिस्कशन की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, इसने बीवी के कंगन गिरवी रख के तुझे पैसे दिए, इसके पैसे वापस कर। क्या? अरे ऐसा नहीं है, अपनी राम कहानी बंद कर, चुपचाप इसके पैसे वापस कर दे। किस पैसे के बारे में बात कर रहे हो? हटो, मैं बात करता हूँ। तुझे शर्म नहीं आती इसके पैसे क्यों नहीं देता? अरे तुम बात नहीं समझ रहे हो, इसने अपनी बीवी के कंगन गिरवी रख के तुझे पैसे दिए, पैसे वापस दे इसके। अरे बेसिकली क्या बात है, आप समझ नहीं रहे हो। बेसिकली क्या भाड़ में चुपचाप इसके पैसे निकाल रहे हो, हाथ उठा रहे हो तुम। मेरी खोपड़ी घूमे उससे। क्या हुआ जीनियर, क्या हो रहा है? अरे तुम नहीं समझ रहे हो, बात यह है कि इसने रुको 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 मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसे बोलना ना, ना। तू चुप रह, बेसिकली मैं जब मैं बता रहा हूँ तू बीच में पूरा है। तुम दोनों में से कोई एक आदमी कहो ना। सुनिए मैं बताता हूँ, इसने बीवी के कंगन गिरवी रख के अपनी दोस्ती निभाने के लिए इसे पैसे दिए, काफी दिन हो गए लेकिन साला पैसा वापस नहीं करा। रुको, वो नहीं है। अरे इसने जो कहा आपने जो सुना, अबे 4 दिन हो गए इसके पैसे क्यों नहीं देता? अरे मेरी बात, ये क्या बात करता है? अरे सुनिए साहब, अबे आप बोलने को क्या है? ए भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है। क्या आवाज सुनिए, तुम सोनू निगम हो या उदित नारायण हो, तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं? आप भी, अरे चुप ना, मेरी बात सुनिए। खाना खा रहे हो या गु खा रहे हो? जो पैसा लिया उसे वापस करना नहीं जाता? वो नहीं वापस करना, क्या वो मैं नहीं हूँ? ये कोई और नहीं है, हमारे कॉलेज में ही काम करता है, बेवकूफ है। कौन सा पैसा देता है, धोखा खा लेता है। पैसे दिए बने उसे जाने मत देना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। तू कहाँ चला? पैसा निकाल, पैसा निकाल। कैसा पैसा? चुपचाप पैसा निकाल। अरे मैं क्यों दो? अबे अरे भाई साहब, उसे क्यों बुलाता है? पैसा निकाल, पैसा निकाल, चुपचाप पैसा निकाल दे वरना तेरी हड्डी फट जाएगी। अरे बोरा चला गया, उसको पूछो पैसा निकालता है कि नहीं। अरे निकाल पैसा, मुझसे गलती हो गई साहब। एक दे दूंगा, गलती हो गई कहता है, बेवकूफ कहीं का, सबको अपनी तरह शरीफ समझता है, बीवी का कंगन गिरवी रख के पैसा देता है, कल कोई त्योहार आए तो वो क्या पहनेगी? जा मेरे सामने से, तू मेरे अंडर काम करता है, सोच के मुझे शर्म आती है, जा। इतने लोगों ने मेरी पिटाई की, किसी ने तो कहा होता आखिर मैंने किया क्या है। ये तो कुछ भी नहीं है, खेल अभी बाकी है, बिना इंजन का गाड़ी चला रहा था ना, अब तेरे बॉडी में इंजन नहीं रहेगा देख। मोहन, बाप रे, मोहन सीएल को देख के मुझे ऊपर से नीचे तक कुछ कुछ होने लगता है। अच्छा, ये सीएल का मतलब क्या है? चल जा, मुझे शर्म आती है। मोहन, तू रात को हॉस्टल आने वाला था लेकिन आया नहीं। मदन के साथ फिल्म देखने गया था यार, बाद में उसी के साथ उसके घर चला गया। अरे कल हॉस्टल में हमसे पिकेट टून हो गया। मोहन साला फेंक रहा, ये पिकेट टून नहीं हुआ था, उल्टी करके टून हो गया था। हाय मोहन। बाय महेश। बाय। बाय। हाँ। बस आ रहे हो ना? ओके। ठीक है बाय। क्यों चंद्रकला, महेश का साथ चक्कर चल रहा है? अरे क्या? ये क्या यार, एक लड़का और लड़की को साथ देख लिया तो सिर्फ प्यारी है क्या, और कुछ नहीं? Point. तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा कुछ नहीं सोचता है क्या? We are just friends यार। अच्छा? अगर ऐसी कोई बात महेश के मन में होती तो वो खुद ही बता देता यार, खुराफा देता है। यार ये थियरी का क्लास बहुत बोरिंग है यार, पता नहीं एक घंटे कैसे काट रहा हूं वहां पे, बैठा नहीं जाता यार। मोहन, अरे ये क्या, देख के भी बिना देखे जा रहे हो? तुम मुझसे बात मत करो। क्यों? तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। ए जीनियस भाई,
पिछले 3 सालों से कोई अनजान शख्स मुझे स्पॉन्सर करके मेरी फीस भर रहा है ना? हाँ। वो कौन है पता लगा के तुम मुझे बोलने वाले थे, लेकिन तुमने अब तक मेरा ये काम नहीं किया। सॉरी मोहन, मुझे अपनी डुप्लीकेट डिग्री की कसम है, मैं इस राज का पर्दाफाश करके ही रहूंगा। अच्छा ये बता, उस दानी का पता लगा कर तू करेगा क्या? जीनियस भाई, आजकल के जमाने में सगा भाई भी अपने भाई के काम नहीं आता, और मुझे कोई भी रिश्ता न रखने वाला ये शख्स 3 साल से मेरी मदद कर रहा है, मैं उसे एक नजर देखना चाहता हूँ। शाबाश मोहन, तूने सही कहा, इस बार पता लगा ही लूंगा। ओके जीनियस भाई, भूलना मत। मे कम इन। क्यों इस तरह शोर मचाए? इसे DTS कहते हैं सर। ओहो, DTS यानी डिजिटल थिएटर सिस्टम, यही समझ रहे ना? बिल्कुल नहीं, DTS यानी डेयरली टेलिंग स्टूडेंट्स। ओके सर, खुशी हुई, खुलकर बताने वाले स्टूडेंट्स मुझे बेहद पसंद है। अच्छा अब बच्ची येल क्या है? ओहो, और ये पहनकर आते उसका कमीज। इसकी रचना करने वाले महाकवि कौन है? तुम जिगर वाले मर्द हो। आप सोच रहे कि मैंने लिखा, छोटा सा ट्विस्ट, मैंने नहीं लिखा, कहने के लिए उठ गया हूँ। That's all. तुम सिर्फ जिगर वाले ही नहीं, गुर्दे वाले भी हो। सर तुमने नहीं लिखा, मैं जानता हूँ। करेक्ट सर। तो फिर क्यों खड़े हो गए? इसने नहीं लिखा, बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर तुम क्यों खड़े हो गए? मैं समझ गया, ये दोनों नहीं लिखे ये कहने के लिए खड़े हो गए ना? नहीं सर, ये मैंने ही लिखा है, ये बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सचमुच के DTS तुम ही हो, बैठ जाओ। अरे गोपी सर, पिछले एग्जाम्स में मेरे वाले सब्जेक्ट में तुमने बहुत कम मार्क्स लिया है ना? हाँ सर। उसके लिए तुम्हारे डैडी ने तुम्हें डांटा नहीं? जोर जोर से डांटे हैं सर। हाँ। बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। लेकिन इसमें एक बड़ा ट्विस्ट है सर। वो क्या है? उन्होंने मुझे नहीं डांटा, तो? मुझे पढ़ाने वाले आपको। तुम सारे लड़के कम मार्क्स लिए हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? कम मार्क देने वाले आपको शर्म नहीं है तो हमें शर्म किसी सर? दिल खोल कर सच्चाई बता रहे हो, मेरे पाठ पढ़ाने में तुम लोग बोर हो गए, इसलिए हम कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कहाँ चले आप? दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मैं यहाँ क्यों रहूं सर? आप बात कीजिए, मैं चलता हूँ। नरेश तो एकदम सिंसियर स्टूडेंट है। तुम फिर से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो? आपने जो सैलरी दी खत्म हो गई सर। इतनी जल्दी खत्म हो गई? मतलब विनायक चतुर्थी के मौके पर हमारे मोहल्ले के गुंडे आकर जबरदस्ती पैसे छीन ले गए। मुझे आपने बुलाया? बुलाने के लिए बजाय है, जाकर 2 कप चाय ले जाओ। सर इन गुंडे मवालियों ने जीना हराम कर दिया है, उनको चंदा देने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है। एक या दो, पता नहीं इनको कैसे ठिकाने लगाए। विधि, कैन यू डेयर टू डू वन थिंग? 2 लाख लोगों को इकट्ठा करके उन्हें खत्म कर दो। हाँ। अरे बाप रे, ये वाकई जीनियस है। राइट सर, इसकी बात पर अमल कीजिए आप। अभी चाय बांट रही हो, बाद में? पहले शादी, बाद में बंटवारा। ए, इसके साथ सब कुछ बांटने का हक है तुझे नहीं है बे, मुझे है। अरे उधर देख प्योरी, मैं तेरे साथ बिस्तर बांटना चाहता था, तू यहाँ इसके साथ चाय बांट रही है। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, बस एक रात मेरे साथ गुजार ले, बाद में किसी के साथ तू कुछ भी बांट ले। ए नरेश, ये दोनों लवर्स हैं, ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फिर उन्हें तंग क्यों करते हो?